राम राम भाई सबने, तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। और चुप नहीं हुआ क्या तेरी गाड़ी? धमकाए बिना नहीं मानती अभी। आज है 18 फरवरी और अर्ली मॉर्निंग है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, 3 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं ये, और मैं इसको देखो कितनी ठंड लगती है, और मैं नॉर्मल आदमी, हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी करने फ्रेशको में। तो मैं, मुझे लगा क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए, और क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए, तो इसीलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। क्या भाई हम लोग फ्रेशको तो नहीं, अपनी आगे वाली गाड़ी पे तो शेर बन रहा है, चित्ता, अपनी गाड़ी पे घोड़ा बन रहा है। कौन सी बाबा, कौन सी गाड़ी है? अच्छा, जैगवार है वा, जो वो गाना है कुड़ी कहती मैनू बेबी जैगवार। किसकी गाड़ी बढ़िया, उसकी गाड़ी बढ़िया कि अपनी गाड़ी बढ़िया? लग्जरी में, हमारी स्पोर्ट्स में। उसकी लग्जरी गाड़ी है, कितनी बुंडी कर रहा है लग्जरी गाड़ी ने और अपनी स्पोर्ट्स गाड़ी दिखाऊंगी इधर से बाहर से घोड़ा उल्टा हो गया। सनो नहीं पड़ रही, सनो पड़ रही है, सारा नमक चिपट रहा है। पर हम फिर भी दूसरे की को बोलेंगे अपनी खींची हो, ये पन्नी हम घर तक लेकर आओ भाई, क्योंकि अगर हम इन पन्नी खरीदे तो हर बार बार पे पैसे ले, इस बार हम गरीबी के चलते हुए खुद अपनी पन्नी घर से लेके आते। कुछ नहीं तो प्लास्टिक का वेट, गरीब नंबर बनाओ गरीब, जल्दी चार्ट हो गई, इतनी बुंडी हवा भी आ गया है। ऊपर कैनेडियन बात है भाई, तुम देखो चप्पल पहन रही हूँ, -10 था तभी तो भाज का ही वो भी आ गया। हेलो तो कर दे, हेलो कर दे, खोल दिया, अरे वाह, फिर हेलो तो कर दे, हेलो तो कर रहे है भाई, हेलो करियो माची को, कर देने तू है, आजा मेरे साथ चलियो तू, बाय कर दे मम्मी को है, चल नहीं ऊपर बिठा लो इतने तो छोटे से। एक घंटा हो गया मैंने भीतर है, मैं रिंकल दीदी से भी मिल ली, अरे यो टोनी इब तक बाहर थे, भीतर नहीं आया, इतनी देर की देखो बोल नहीं सका था। इस गेम ना भाई मेरा दिमाग खराब कर दिया, गेम मेरे को रिंकल दीदी और योगांश मिले, तूने देखा? कुछ नहीं देखता अंदर है, चल के खेलना है। भाई मेरे पैर की अंगली देख रहे हो, लाल हो रही है, तो मैं प्रॉपर कैनेडियन इस इंडियन को बोल रही हूँ, अपने जराब दे दे टोनी, टोनी पैर सुन हो गया, अपनी जराब दिए पर मुगर के दे दे यार पलीज 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 हो रहा है पलीज चोरी। भाभी तो माँ समान होते, तू अपनी माँ को जराब नहीं दे, ग्रोसरी के लिए अपने सब चला, बहुत बुरा तू तो, मैं तो खाती नहीं, तुम खाने तो झोटे का अंतर होगा तू पुरानी भी पड़ेगी पैर गरम हो गए। थैंक्स मोटी, थैंक्स बहुत आगे जाएगा एक दिन। जब तक मैंने इसकी जराब नहीं पहनी थी, मेरे नूर था घर चाल, अब मैंने जराब पहन ली, अब मेरे नूर है सारी लाइनों में घूमेंगे, इवन सारी लाइनों में घूमे, जो जो चाहिए सब कुछ ले ले, नाश करेंगे आज बिल तो पे कर दूंगी, पर सारी चीज ले होगी आज। मैं नहीं आई थी ना कनाडा, तो फिर जब फिर आते यार ड्राइविंग का पेपर दिया गया जीवन का, तो मैं जड्डे में आई थी है ना, तो फिर ना वहाँ बहुत बड़ा बड़ा लाइन अप था, मतलब कि आधा आधा दिन बार बार में खड़ा रहना होगा सर, मैं अपने नॉर्मल जूते पहन रही, जैकेट तो पहन रही थी, लेकिन फिर भी मेरा जड्डा नहीं रुका। फिर मैं टोनी ने कहा तू बाहर खड़ा रहे, 3-4 घंटे वो बाहर खड़ा रहा, और मैं फिर मैं गाड़ी में हीटर चला के बैठी रही, फिर बाद में मैं पेपर देने गई, करता तो तू कुछ है, फिर उसके बाद मैं पेपर देने गई, फिर मैंने इस तक गया टोनी मैं फेल होगी पर मैं पास हो गई थी पहली बार में
तेरे इतने थप्पड़ मारूंगी। दो बार लाइन में खड़ा होता ना मेरा पाटता तने तने खड़ा करती। फिर भी पहली बार में पास हुई हूँ। आज तक किसी भी पेपर में मैं फेल नहीं हुई। छोटी तो ले गए, इतनी बड़ी होगी। ये देखो मैंने आगे तेल लट कटवाई थी, लट्टाधारी बनने थी। या सीधी तो ही नहीं क्योंकि मेरे बाल मतलब थोड़े फ्रीजी है, तो या नू लागे जो कर लो क्योंकि इतनी कटवा देना एक जगह सीधी कर दो। पर ऐसे भी सही लग रही। डन ग्रोसरी ले ली है और रबर देखो पड़ रही है। और इसने देखो टॉपी मास्टर ने छोटी जल्दी गाड़ी चला रहे। तो उधर लगाना गाड़ी में। हाँ मैं थर्ते पास होता हूँ। ये जो आलू का पैकेट आया इतने बड़े पूरा बड़ा पैकेट है आलू का, शायद 10 किलो का है। हाँ शायद है। इसमें जो है $3 का, $3.99, $4 का। अरे ने चिप्स का पैकेट लिया है $4.99 का, $5 का। मैं कहा दो आलू का बनता वो चिप्स का, यो चिप्स का पैकेट। बेइज्जती करवा रहा है सारी जगह, तो करवा रहा है बेइज्जती। खोल दे टोनी प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मैं सिर धो रही हूँ यार, प्लीज मैं सिर धो रही हूँ। डरा दिया करूँ मैं इसमें। मेरी बात तम आ जाया करे हो जब। बहुत देर की गाड़ी अंदर तय स्टार्ट कर दी थी तो हीटर चल रहा था बिल्कुल। उतरी गए यहाँ तक ग्रोसरी ठीक हो जाओ फ्रेश को। हम ना बहुत टाइम थे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तक कर रहे थे, लेकिन मतलब इंडियन ग्रोसरी स्टोर तक हमारी ग्रोसरी जितनी हमने आज करी आज भी हमने बहुत खूब देखा ना करें हम के लिए खूब फुल खुले आते करी है। और फिर भी दो इंडियन ग्रोसरी स्टोर था आधी हुई है क्योंकि इंडियन ग्रोसरी स्टोर में सब कुछ बहुत महंगा हुआ, बहुत महंगा हुआ। जो कर ये गाजर हमने याड़े ते ली, हम गाजर पाक बनाएंगे कल के व्लॉग में देखियो। तो हमने 2 किलो गाजर याड़े ते ली, याड़े था $18 की और वहाँ तक कम भी $40-45 की गाजर आनी थी। तो इसीलिए दिमाग में मैंने कहा इनते, मैं बहुत दिन तक ग्रोसरी के बिल देख रही थी, मेरा दिमाग घूमया। मैंने इनते कहा कोई भी इंडियन ग्रोसरी स्टोर तक सामान नहीं लाओ, जो यहाँ नहीं है मिलता होगा वो ले होंगे वहाँ से, अदरवाइज फ्रेश को या वॉलमार्ट तय करा कर रहेंगे, बहुत महंगी हो वहाँ से। दूसरी जगह रुकना था भाई शैम्पू लेने थी, दूसरी जगह रुक के आवे नहीं था। मैंने दो ब्लैकमेलिंग के शब्द बोले आगे। मैंने कहा ठीक है तो खुद ही करना पड़ता है काम, मैं ही जाती हूँ आगे पीछे पीछे। ये भगवान की हो गई इन बाला का। अब देखिए यार आंडू इतनी देर तक व्लॉग्स डेली देखती हूं और आप मुझे बहुत इंस्पायर। डेली तो बनाते भी कोई ना, हम तो आ भी नहीं रहते बाय चांस आ गई। अच्छा हां मुझे मैसेज किया पास है इस लाइक का तो यार जो छोरी मिली भाई तो उन्होंने अपने फोन में क्लिप बनाई ऐड करूंगी। यार छोरी अपने व्लॉग्स देखा के पहले और इमें टोनी ने नु कह के लेकर आई थी कि बस शैम्पू ठावेंगे और भाजेंगे, पर यह मेकअप की दुकान भी है तो फिर लेना तो मैंने कुछ है नहीं। पर इसको हंडाऊंगी, इस तरह मैं बताऊंगी इब की बार इब जब इसने मेरे से गिफ्ट देना तो केक के देना, बैग नहीं देना, बैग में भरने का सामान दिए। ठीक है आ जा हंडे के बेटे है चलते गिफ्ट होनी ले लो। तो कुछ नहीं दवाया, बस जो लेना है थे शैम्पू का कंडीशनर वो ही लिया बस। दे दे टोनी तू पैसे। टोनी अरे टोनी वो सस्ता हो गया, ये मैं लगाने लगी दिखा तेने के ले लिया। हाँ ये लगाया करो सस्ता को करोगे। चलो दे दे तो सस्ता है, दे देना है। अरे दे देना है खीसा नंगड़ $10 पर रो है। मन देना पड़ेगा जितने पैसे मार धो रहे थे पेट्रोल नहीं भरवाऊंगी भी इतने पीछे ले रहे आप तो फालतू भी पैसे गए। अरे देता नहीं कितने भी $10 भाग दिया था। $10 भाग दिया आखिर हमने दिए भाई यार जट्टी की देगी वो लोग के मन नहीं है। टोनी तो इतने मैं तो ने सच्चा सोचा करो थी तू तो गरम बुंडा जूठा है अभी और कुकर को आखिर में मने दिए आराम से चला लेने की दिक्कत मान रहे 60 की स्पीड है। 60 की क्या स्पीड है, रोड कितने के जोन का बताइए। 60 का ही है, झूठ मत बोल ले सारी गाड़ी आराम से चल रही है। 60 का जोन हो जाता है,
साठ का, तू साठ पे नहीं था तो साठ पे दो, पैंसठ पे था, पैंसठ पैंसठ पे उड़ा के मतलब साठ पे मतलब अकेला तो तू और पेलता होगा बजाई को ना आती बजा के कर देगा बताओ तीन वाने बजाई थी छोरा ने खाली रोड ना ये भाई परसों तरसों रात ने डेढ़ बजे परसों तरसों की तो बात हो गई है हफ्ता हो लिया होगा मैंने तो परसों तरसों बेरा पार्टी यार्ड ब्रैम्पटन में तीन छोरे इतनी तेज गाड़ी बजा रहे रात दो ढाई बजे पी भी रहे होंगे ऑब्वियस सी बात है तीनों खत्म रेस लगा रहे थे के मतलब हुआ रेस लगाना उनका तो कुछ नहीं है उनके माँ बाप एक तो ये बेवकूफ भरी बात है मेरे साथ मत करा कर तो जेटा थी तो तेरी वाटर प्रूफ है मतलब तेरी एक्सीडेंट प्रूफ है ना नू बता तेरी एक्सीडेंट प्रूफ है फिर नू क्यों को मैं किसी भी गाड़ी ले रहे हो बजाऊंगी तो एक्सीडेंट होएगा सेफ भी आ रहा कई गाड़ी वो मथा के तबा या नहीं है या है कि नहीं है नहीं है या इसमें ऐसे जाके देख मैं तो नहीं मैं तेरे घड़े मार दूंगी एक बार तन तेज चलाई तो ड्रैग स्ट्रिप स्नो वेट सारे मोड़ रही मैं घर के देखे कोई बात नहीं चला के तीस की स्पीड है भाई उनके बेचारे और उन छोरा में दो तो सगे भाई थे बेचारे उनके माँ बाप पे के भी इतरी होगी वो सोचने वाली बात है पता नहीं क्यों के मजा आती है गाड़ी चलाने में पी के वो भी बिना पिए भी तेज गाड़ी चलाने का के लॉजिक है कुछ लॉजिक ही नहीं है छोड़ दो चलो एनीवेज हम लोगों ने ग्रोसरी कर ली अब हम जा रहे हैं घर टाइम हो गया है चार बज गया और पांच बजे तक मैंने खाना रेडी करना है अब टास्क मेरा यही है पांच बजे तक मैंने खाना बनाया क्योंकि इसने काम पे जाना है दुनिया हड़े आकर रोवे कि एक काम नहीं मिल रहा है एक काम नहीं मिल रहा है एक काम नहीं मिल रहा है अरे हमारे घर में इसे प्राणी है दो दो काम करे दो दो मिल जाए तो चले जाओ हाँ तो जो कंपल्सरी थोड़ी मेरे पता नहीं अब नए बालका ना काम नहीं मिल रहा पता नहीं इन्हें कैसे काम मिल रहे ये दो दो काम कर मैं बस एक ही काम लगवा दे फिर किसी एक बालक ने हायरिंग नहीं कितने फिर और मैं बस अच्छी बच्ची हूँ मैं एक ही काम करती हूँ मैं नहीं मरना क्योंकि मैं YouTube करती हूँ साइड पे तो फिर और बाकी सारे काम पे जा रहे हैं मैं कुछ नहीं दवाऊ मैं कुछ नहीं दवाऊ तेरे तो सारा ले लिया के कंटेंट दिया तेरे झोटे का सर तू कई महीने जी को है ना मैं जवाब मेरे से कुछ तेरे तो दवाऊ मैं कुछ गाड़ी फोटो है मैं जरा एक दिन 44 मिनट से डॉलर कैडी पड़ेंगे अपनी कोई बात नहीं मनते हैं $1 देने जीरो कर दूंगी तीस रेट आओगी 100 की और डॉलर है 1000 कर ले कर वो तो घरा है कौन है घरा तो अपने आप कर लो बढ़िया है हाँ बढ़िया है टोनी एक पर नहीं पकड़ा और फिर दो चक्कर काट के छह मने कोई मतलब नहीं है छेती दे दे जो टाकनी है ना काट दूंगा अपनी जरा भी ले ले वैसे कोई शान नहीं है ठीक है एक पर नहीं दे दे मैं चाली कंटेंट फिर बाकी कौन ले होगा दो थैले दे दो ए दो चक्कर कर लिए तू जा मैं यार खड़ी हूँ जब तक जा तू जल्दी दे एक थैला कर नहीं करेगा कमीन पे एक तो योगे रहा और एक वो गे रहा दिमाग चला के धरती यार हाथ देखो मेरे किसे करवा दिए बेवकूफ सा दो चक्कर नहीं करे वो सारा सामान मैंने उठाया जो उठा रहा था वो गिर दिया था बाहर काम चोर अच्छा 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 कमाने चल चला तो ले गए से चल रही है टोनी ग्रोसरी से चला दी चार छे हो गए टोनी मैंने तेरी सब्जी रोटी बनानी है तू जो चाले मैं फटाफट काम वो तो मेरा काम है तेरे को काम चोर कहना टोनी तू जो चाह मैं काम करना शुरू करती हूँ ठीक है आलू के दो चॉइस है तेरे पास या तो तरी वाले आलू जो पूरी अकेला भंडारे टाइप या फिर आलू शिमला मिर्च सूखे आलू आलू शिमला मिर्च नहीं दो चॉइस है तीसरी मत बताया कर जब मैं तो तेरे से काम चोर कहूँ दो में तो बता छेती दस दो चोई समय टोनी दिमाग में खराब करे तू खाया करे दो आलू शिमला मिर्च तो कभी नहीं खाता हाँ दो शिमला मिर्च क्योंकि ऑलरेडी पड़ी थी घर में खराब होने वाली तो आज मैं दो और लिया ही सब्जी बना दूंगी उनकी
अरे तरी वाले आलू तो तू खावे इधर भीतर मार दो कैमरा अच्छा कंटेंट नहीं लेऊं फिर भी चल दे वापस दबा दूंगी आगे बोल बता दी सूखे आलू बना दूंगी तू पागल पूगल है कि सूखे आलू क्या केला खाऊंगा वहां रोटी गर्म भी नहीं हो सूखे आलू कर जो बनाना बना बताने के खाऊंगा बता अंडा देकर खाएगा तो सूखे आलू भी बनाऊंगी बता तू राजी होगी जो खाएगा तो पानी पीने जावन शांति दे जब तो कंटेंट नहीं मिलता मैं तमने चाहिए शांति और मैंने बनना है ब्लॉगर फेंक फेंक के मारे दूध के पैकेट बाहर दो चक्कर करने की गए थे वो तो इस तो हो ही नहीं है फेंक फेंक के मारे ये पाट दिए कौन सा इसमें तो पाट रहे चाहे इसमें उसी में तो पाट रहे मेरे ख्याल तो उसी में तो टपके ओके गाइस तो 11:20 हो चुके हैं और मैंने 5 बजे तक इसका खाना बना के रेडी करना आटा तो गूंदा हुआ रखा है सुबह पराठे बनाए थे तो आटा रखा है और मैंने आलू उबलने रख दिए तरी वाले आलू बनाऊंगी ठीक है मैंने वो कर दिया ये मैंने फटाफट बस सब्जी बनानी है 45 मिनट में तो आराम तो हो जाऊंगा हाँ हो जाऊंगा तो मैं फटाफट कर लेती हूँ जब तक आलू उबले छोक भी प्रिपेयर करती हूँ आलू उबलते छोक लगा दूंगी क्योंकि फिर इसने सिक्योरिटी की शिफ्ट पर जाना है टोनी नारियो सुबह 8 बजे इसकी छुट्टी होगी तो 9 बजे तक घर आऊंगा कल सुबह तो सारा रात इसकी शिफ्ट है पहलवान जी पहला ही जा रहे हैं तीसरा मेंबर भी जा रहा है सिर्फ मैं घर रह जाऊंगी अभी फिर तो टिफिन अड रहे तो शुरू करते हैं काम मैं काम करने के बाद मिलती हूँ हाँ तो भाई बड़ी मुश्किल था 5 बजे तक रेडी हुआ 5:02 पे सामान रेडी होकर टोनी गया 2 मिनट के मारे उसने मेरे तो सुनाई फिर पर वो गया ही मैं पूरे घर में अकेली मेरा अकेले का राज है पर पहलवान जी बाहर आले हैं वो एक मैंने भेजे मिठाई की दुकान पे मैं खाते हुए मावा ले आई क्योंकि हम गाजर पाक बनाने की सोच रहे जैसे मन थारते बताया था पर इबा घर के उठेंगे पहले हम फोन करेंगे उनकी राय लेंगे कैसे के बनेगा जब तक हम सारा सामान ले आए गाजर में 2 किलो गाजर लेकर आई हूँ और दूध भी हम एक्स्ट्रा लेकर आए थे 1 पैकेट और मावा भी ले आए अब देखेंगे आज बनाएंगे कि कल बनाएंगे नू नहीं पता वो आके पहलवान जी बताएंगे जब तक ईब पहलवान जी आने वाले हैं तो मैं चाय बनाऊँ और मैंने आलू उबाले थे सब्जी बनानी थी तो थोड़े से आलू एक्स्ट्रा उबाले थे सैंडविच बनाने के लिए तो सैंडविच बनाऊंगे उसका और चाय पीवेंगे साथ में तो जब पहलवान जी आते हैं तब मिलते हैं इतनी बुंदी सीढ़ी चप्पल कितनी है कौन सी चप्पल सीढ़ी है ये तो उनकी है हम बाहर जा रहे थे जब चप्पल पहन रहे थे दिखाओ क्या लिखा है दिखाओ दिखाओ खोया अरे वाह नू बता दो बस आज बनाएंगे कि कल मर्जी है टेस्ट करके देखा पहले इन्हें खोल ना ये क्या है गूंद इन्हें खोल दो गूंद काम का ना हो यार जरूर ठीक है डब्बे में गूंद की है तो गूंदे करना थोड़ा टेस्ट कैसा है सही तो है खा ले बोलते क्यों नहीं सही है अंडी है कुत्ता बढ़िया बना लूं चाय और सैंडविच मैं तेरी छोड़ूंगा और वो इतनी भी क्या होएगा सैंडविच बन गए गाइस और चाय भी बन गई मैं राहुल और कुकू हैं और इतने बर्तन हो गए थे मैंने सारे बर्तन भी कर दिए साथ साथ कमर टूट गए थे फिर रात ना और ज्यादा हो जाते अब हम गाजर पाक बनाएंगे पहले खा लेते थरते दिखाते हो कैसे पाचाने पी ले पाचाने पीऊ आलू का सैंडविच मजा आ गया जीती नहीं पाचो अगले गेम हो चलो मैं भी खा लेती हूँ मिलते हैं ब्रेक के बाद जब तक मैं खा रही हूँ तुम लोग जाके अगले प्लान की तैयारी कर लो कौन सी बस सोने का टाइम हो गया गाजर पाक की सोना स्वाद हो खांदी मिला सोम में तो खांदी काम पता है खांदी मेरा बराबर खांदी देखा नहीं इसके कम रोटी खांदी सो जा जो टेगा सो और इना इसकी तरिया 2 मिनट कड़ सीधी कर ले रात में 7 बजे ही कड़ सीधी की तड़के 9 बजे हुआ है इन्हें न्यू नहीं बेरा किंगे न सोना किंगे ना न्यून पटाया था उस कोण में उड़े पटाया रहे आ ये तक यार डरा जाइए तेरी आराम पे और ये उड़े कोण में पटाया सभी से वो बने जिप थम पड़े थे उड़ा माँ चल बैठे रहने ठीक है
ਯੋਨਾ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਤੜਕੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਜੇ ਬੂਠਿਆ ਹੋਤਾ ਚਲੇ ਸੁੱਕ ਤੋਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਠਾਣਗਾ 5 ਵਜੇ ਠਾਣਗਾ ਤੋ ਠਾਦਾ ਕਰੇਗਾ ਇਲੇ ਮਨ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਠਾ ਸਕਤੇ ਤਨੇ ਸਭ ਇਹ ਕੀ ਠਾਵਾ ਹੈ ਤਨੇ ਮਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕਰ ਗਾਏ ਪਾਵ ਕਰਤੇ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਸੁੰਡਵਾ ਗੇ ਰਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਆ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਪੀਲੇ ਅਬ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਆ ਪਾਵਾ ਹੈ ਤੜਕੀ ਨਾ ਰਾਤ ਨੇ ਤੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨੋੜੇ ਤੜਕੀ ਮੈਂ 6:30 ਵਜੇ ਜਾਉਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰੇ ਮਤ ਆ ਹਵਾ ਚ ਮੜੀ ਹੀ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੀਣੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਰਹੀ ਆ ਦੇ ਨਾ ਜੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਤੜੇ ਪੜੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਠੀਕ ਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰ ਫਸੇ ਬੜਾ ਲੈ ਪਿਆਉਂਗਾ ਤਨੇ ਕਾਫੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਗਾਜਰ ਛੋੜ ਲੋ ਇਸ ਲੈ ਚਲ ਨਰੀ ਗਾਜਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਗ ਬਾਲ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਗਰਮ ਕਰੂੰ ਗਾਜਰ ਪਰ ਬੈਠਾ ਗਾਉਂ ਨਹੀਂ ਗੇ ਗਾਜਰ ਕੌਣ ਚਿਲਗਾ ਜੋ ਬਲਾ ਯਾਰ ਜੋਨ ਜਿਸ ਕੇ ਡੋਲੇ ਜਿਸ ਕੇ ਡੋਲੇ ਚ ਜਾ ਦੋ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਅੱਜ ਥੱਕ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਸਕੈਲਟਨ ਹੀ ਆਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੜ ਗਰੜ ਚਲੋ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛਿਲ ਤਮ ਲਿਓ ਆਦੀ 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 ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਵੀਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਉਂ ਮੈਂ ਤੀਨ ਬਣਾ ਦਿਉਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਣਾ ਲਿਆ ਰਹਿ ਹੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ ਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੜਿਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਯਾ 10 ਕਿਲੋ ਵੀ ਡਰਾਮੀ ਖਾ ਗਿਆ ਤਨ ਹੈ ਬਲਾ ਹਿਮ ਪਾਈਆ ਛੋੜ ਦਿਆ ਬਲਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਤੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਖਾਇਆ ਜਾ ਤਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਮਰਾ ਤੇ ਜਬ ਗੂੰਦ ਗਾਂਦ ਖਾ ਗਈ ਸਾ ਹੈ ਰੋਗੀ ਹੈ ਮਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਇਹ ਨਾ ਤੂੰ ਖਾ ਲਈਏ ਕਦੇ ਮਾਰੇ ਸ਼ਰ ਹੋਏ ਖਾਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਮਨਾ ਮੰਗਾਣਾ ਪੜੋ ਤੇਰਾ ਚੰਡੋਲੀ ਤੂੰ ਆਈ ਇੱਕ ਜੀ ਗਗਲ ਜਗਾ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਗਲ ਜੂਗਾ ਕੀ ਮੰਗਵਾਣਾ ਹੈ ਗਾਇਸ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਬਤਾਓ ਚਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਤੁਮ ਦਨੂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ओके गाइस तो यो था अपना आज का छोटू सा व्लॉग मिलेंगे कल के व्लॉग में जो कि मैं अभी स्टार्ट करूंगी कल का व्लॉग क्योंकि हम बाहर स्नोफॉल होने लग रहा है और हम ये गाजर पाक बाहर ही बैठ के बनाऊंगे तो वो दिखाऊंगी थारता अगले व्लॉग में जो कि पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इस व्लॉग ने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दियो अच्छे अच्छे कमेंट करियो और फॉलो कर लियो सब्सक्राइब कर लियो तन्ने इसको मत करियो जो करता हो अनफॉलो कर दियो ठीक है तो मिलेंगे अब कल बाय बाय।